अगर आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं अपने घर में, अपने बालकनी गार्डन में, इंडोर गार्डन में, अगर आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं लो बजट केयर में आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले सारे प्लांट हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। अगर इनमें फूल भी नहीं आते तो भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये सारे पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो अगर अभी आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो ये सारे पौधों की कटिंग्स आप अभी भी लगा सकते हैं, अपने बालकनी गार्डन में या इंडोर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। घर के अंदर छाया में भी चलने वाला प्लांट है और बाहर आउटडोर भी ये सारे पौधे बहुत आसानी से चलने वाले हैं। तो बिना देरी किए फटाफट अभी इसकी सारी कटिंग्स लगा लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं 10 ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो वेरीगेटेड पत्तियों वाले प्लांट हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, इनकी पत्तियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर आप फूल वाले पौधे लगाने के शौकीन नहीं हैं तो ये सारे पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो लोग वर्किंग वाले हैं, काम में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है। फूल वाले पौधों में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जो इंडोर प्लांट होते हैं, पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, उनमें ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही उनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम डालने की ज़रूरत होती है। तो आप ये सारे पौधे आप अपने गार्डन में अगर लगा लेंगे तो आपके गार्डन में सालों साल बने रहने वाले पौधे हैं और कम देखभाल में सालों साल ये चलने वाले पौधे हैं, सभी वेरीगेटेड पत्ती वाले प्लांट हैं। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूंगी। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। गार्डनिंग अगर आप इसकी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सारे पौधे आप लगा लीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है पेंडेनेंस का प्लांट। इसकी जो वेरीगेटेड पत्तियाँ होती हैं काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, इसमें जो वेरिएशन होता है काफ़ी अच्छा लगता है। ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट होता है, ये इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस जैसे स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह इसकी भी पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। यहाँ से ढेरों सारे बेबी प्लांट बनते रहते हैं, तो इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। एक प्लांट अगर लाएंगे आप नर्सरी से तो इससे आप ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बगल बगल साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो कटिंग से भी लग जाती है और बेबी प्लांट सब डिवाइड करके भी लग जाती है। इसे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। बस चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी मिट्टी आप जब भी बनाइए एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कंपोस्ट डालिए। ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है इसमें, आप महीने में एक बार अगर DAP डाल देंगे तो इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी, इससे ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर यह है दोस्तों अरंथीमम का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट है, इसमें जो कलरफुल भी देखने में लगती हैं पत्तियाँ इसकी, और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। एक पौधा लाएंगे तो आप एक पौधे से ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो वाइन होता है बिल्कुल उसी तरह से ये भी पौधा होता है। इसमें 4 से 5 दिन में ही जड़ें भी बन जाती हैं, चाहे जैसे इसकी कटिंग्स लगाइए, बहुत जल्दी ये कटिंग्स लगती है। तो इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए, छाए में चलने वाला ये पौधा है। अगर आपके पास धूप नहीं आती है आपके यहाँ, तो ये पौधा आपके लिए परफेक्ट पौधा है। आप अपने घर के अंदर कहीं भी इसको रख देंगे तो आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये है मनी प्लांट। ये पोथोज होते हैं, जो उसमें कई सारे वेराइटीज़ पोथोज आते हैं, तो ये भी है, इसमें जो वेरिएशन होता है काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये मेरा जो है दूसरा पोथोज है, मनी प्लांट है, जैसे ये वाली पत्तियां हैं, यही वाली प्लांट की कटिंग्स मैंने लगाई थी, लेकिन इसकी सारी पत्तियां पता नहीं कैसी हो रही है। अगर इसको छाया में रख देंगे ना तो इसमें जो पत्तियों की कलर है वो ग्रीन हो जाती है। और एक ये नियॉन पोथोज है, इसे भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी वेरिएशन काफ़ी अच्छा रहता है। हैंगिंग बास्केट में छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा करके इसे आप कहीं भी हैंग कर देंगे, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस समय इसकी आप ढेर सारी कटिंग्स लगा लीजिए, नहीं तो विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस समय इसकी कटिंग्स नहीं लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से मांग करके या चोरी करके या नर्सरी से भी आप इसके प्लांट ला सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है, सालों साल ये चलने वाला प्लांट है। इसकी कटिंग्स आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं।
और उसके बाद ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है। इसको बस ज़्यादा पानी से बचाना है, अगर इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, और इसमें ढेरों सारे बेबी प्लांट रनर्स के थ्रू निकलते रहते हैं, तो आप डिवाइड करके ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने ढेरों सारे प्लांट लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ मेरे ख़राब भी हो गए हैं, कुछ गर्मी में ख़राब हो गए, कुछ ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गए। तो ये छोटे छोटे गमलों में भी लग जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। किसी भी प्लांटर्स में लगा करके आप कहीं भी दीवारों पर हैंग कर देंगे या कहीं भी बालकनी में हैंग कर देंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये नर्सरी में आपको 50 से 60 रुपये में मिलेंगे। और उसके बाद ये है डेविस बैकबोन, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी वेरीगेटेड लीव्स जो होती है काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब इसमें जो रेडिस का ये सेड आने लगा है प्लांट की पत्तियों में, तो धीरे धीरे ये पूरे प्लांट की जो पत्तियां हैं रेड हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी पत्तियां इसकी झड़ जाएंगी, फिर सिर्फ इसमें डंठल ही बचेंगे, क्योंकि विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं तो उस समय इसमें पत्तियाँ नहीं रहती है। जब ये फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है तो फिर से इसमें नए नए पत्तियां निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसे अभी कटिंग से लगा सकते हैं, इसकी भी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये भी परमानेंट और बहुत ही हार्डी और पक्का ये प्लांट होता है, इसे आप चाहे जैसे भी लगाइए, ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है, बस इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद दोस्तों ये है डेफनबेकिया, इसकी भी वेरिएशन जो होती है पत्तियों में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसमें आपको वेराइटीज ढेर सारे मिल जाएंगे डेफनबेकिया में, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, उसमें वेरिएशन होता है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये जल्दी प्लांट ख़राब नहीं होता है, और ये भी विंटर में डोरमेंसी में चला जाएगा अगर आपके पास है तो। इसे आप अभी कटिंग से लगा लीजिए और इसे अपने घर के किसी भी कोने में सजा दीजिए, काफ़ी खूबसूरत आपका घर और गार्डन बालकनी गार्डन से भी लगेंगे। ये भी 50 से 60 रुपये या 100 रुपये में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये है एग्लोनिमा, एग्लोनिमा में भी वेराइटीज ढेर सारे आते हैं, लेकिन ये जो स्नो एग्लोनिमा होता है इसमें जो वेरिएशन होता है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सारे मेरे गार्डन के दुश्मन आकर के मेरे गार्डन में इतना इस समय आतंक फेंके हुए हैं, मेरे सारे प्लांट की पत्तियाँ खा जा रहे हैं और मेरे गुलदाउदी में भी बहुत ज़्यादा अटैक कर दिए हैं, तो इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों। तो आप एग्लोनिमा के प्लांट को भी लगा सकते हैं कटिंग से, ये भी छाए में ही चलने वाला प्लांट होता है। घर के किसी भी कोने में आप रख दीजिए, आपके घर में 4 चांद लगा देगा, और आपके बालकनी गार्डन में या इंडोर गार्डन में कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। आपको ये नर्सरी में महंगा मिलेगा प्लांट, और इसकी जब नर्सरी से पौधा लाए तो उसकी सॉइल आप अच्छे से बनाइए, एक पार्ट मिट्टी होनी चाहिए, एक पार्ट सैंड होना चाहिए और कोको पीट होनी चाहिए, और इसमें पत्तियों की खाद ज़रूर मिलाइए। चाहे तो आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं या पत्तियों की खाद, लेकिन मैं पत्तियों की खाद में ही लगाती हूँ। जो नीम की पत्तियाँ होती है उसी की पत्तियों की खाद में मैं लगाती हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छे से ये हमारे प्लांट चलते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, अगर कम पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं येलो होने लगती हैं, अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इस समय इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार पानी डालिए, मतलब 2-2 दिन के गैप करके पानी, अगर हल्का पानी डालते रहेंगे तो आपके पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। विंटर में इसे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी छेड़दार पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में, और इसे आप कटिंग से डिवाइड से दोनों तरफ से लगा सकते हैं। एक पौधा लाएंगे तो आप ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है सिंगोनियम का प्लांट, इसमें भी वेरीगेटेड पत्तियाँ होती हैं, इसकी वेरिएशन काफ़ी खूबसूरत लगती है। सिंगोनियम में आपको ढेरों सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे, छोटे पत्तियों वाले होते हैं, कुछ ये बड़ी पत्तियों में भी होते हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो छोटे पत्तियों वाले होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली आते हैं, वो जल्दी नहीं मिलते हैं, आपको नर्सरी पर ही मिलेंगे। अगर आप कहीं मिल भी गए तो आप इसे कटिंग से ला करके लगा सकते हैं, घर के अंदर कहीं भी इसको शेड में रख दीजिए, किसी भी कोने में रख दीजिए, हैंगिंग बास्केट में लगा करके हैंग कर दीजिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और इसमें पिंक कलर का भी आता है और लाइट पिंक भी आता है, तो कोई भी पौधा हो इसे आप लगा सकते हैं कटिंग से। इसकी कटिंग से आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और सैंड में भी लग जाता है बहुत आसानी से। इसमें बहुत जल्दी जड़ें बनते हैं, क्योंकि इसमें
एरियल रूट्स पहले से ही बना रहता है तो जड़ें बनने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आपके पास है तो इसे आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो ये पौधा फिर आप मार्च के महीने में ही कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है, विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं तो उस समय इसकी पत्तियाँ जो होती हैं झड़ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये है क्रोटोन का प्लांट, इसमें भी जो वेरिएशन होता है काफ़ी खूबसूरत लगता है, जैसे किसी ने पेंट छिड़क दिया हो वाइट कलर के, हरे पत्तों पर वाइट कलर के गोल्डन कलर के पेंट जैसे छिड़क दिया हो, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट भी होता है, लकी प्लांट भी होता है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और इसकी अगर आप पिंचिंग करेंगे, ऊपर के टिप को पिंच कर देंगे तो ये पौधा घना भी होता जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पिंच करके ही इतना घना बनाया है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांच है आपके पौधे में तो इसे आप पिंच करते जाएंगे तो इसमें से बगल बगल से दो दो शूट्स निकलेंगे, फिर उसके बाद कुछ वो भी प्लांट कि जो ब्रांचेस है बड़ी होंगी तो फिर उसे पिंच करेंगे तो इससे आपके पौधे घने भी होंगे। और ये महंगा भी मिलने वाला पौधा होता है नर्सरी में, 50-60 रुपए से इसकी प्राइस होती है। जैसा आप प्लांट लीजिए, इसमें वेराइटीज़ ढेरों सारे आते हैं तो वेराइटीज़ के हिसाब से भी इसकी प्राइस होती है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, घर में इसे आप कहीं भी लगा करके इसको रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है चाइनीज़ वायलट, इसकी भी वेरीगेटेड पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसमें वायलेट कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा करके कहीं भी हैंग कर देंगे तो खूबसूरत लगता है, आपका गार्डन भी खूबसूरत लगेगा। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, चाहे जैसे इसको रख दीजिए। इसको ना ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा देखभाल की, ना ज़्यादा खाद पानी की, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और इसमें अब फ्लावरिंग करने का भी समय आ रहा है धीरे धीरे, तो इसे हैंगिंग बास्केट में या छोटे छोटे वेस्ट प्लांटर्स में किसी में भी लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी आप चाहे जैसे बनाइए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। अगर बना रहे हैं इसकी मिट्टी तो एक पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट सैंड और हाफ पार्ट कंपोस्ट मिला करके उसमें लगा देंगे इसके प्लांट को तो बहुत अच्छे से चलेगी। मैं तो इसमें ज़्यादा वैसे खाद भी नहीं डालती, बहुत अच्छे से मेरे प्लांट चलते हैं। जो लीफी प्लांट होते हैं इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको आप महीने में एक बार DAP डालते रहेंगे तो प्लांट आपकी अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है और वेरीगेटेड पत्ती वाला भी प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा। तो ये सारे वेरीगेटेड पत्तियों वाले पौधों को आप अभी भी लगा सकते हैं कटिंग से, अपने गार्डन में सजा सकते हैं, बालकनी गार्डन हो या इंडोर गार्डन हो या कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, अपने घर के हर कोने में इसको रख सकते हैं, सजा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपका घर। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।